है पूरा इस्कॉन मंदिर, ये है तुलादान, ये जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पर पूरा ऊपर में देखिए तुलादान महादान लिखा हुआ है। बहुत अच्छा, बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पे आके। देखिए बहुत अच्छी पिक्चर्स, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। देखिए दोस्तों इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन मंदिर है ये। भगवान का श्रृंगार बहुत अच्छा होता है जन्माष्टमी पे, हम लोग हर साल आते हैं। अच्छा। यहाँ का श्रृंगार, भगवान का दर्शन, अच्छा, प्रसाद सब बहुत ही अच्छा होता है। बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, 3 दिन का उत्सव होता है जन्माष्टमी पे हर साल। आप कुछ बताना चाहेंगी? हम तो पहली बार आए, बहुत तारीफ सुने थे। अच्छा। पहली बार आए हैं यहाँ पर, हम तो यहाँ मेंबर भी हैं यहाँ पर। आप मेंबर हैं? हाँ, इस्कॉन टेम्पल। आपका नाम? मैम विनीता अग्रवाल है। पर मेंबर हम लोग बहुत समय से, इधर कोरोना की वजह से छूट गया था तो आ नहीं पा रहे थे। हाँ गुरु जी, थोड़ा सा हमें यहाँ के बारे में जानकारी दीजिए। मंदिर के बारे में जो कृष्ण और राधा है, कृष्ण का नाम यहाँ का राधा गोपाल जी हैं और उनके बगल में जो है चैतन्य महाप्रभु हैं जो स्वयं भगवान हैं। यहाँ से लगभग कलकत्ता मायापुर में उनका जन्म स्थान हुआ था लगभग 500 वर्ष पहले। तो स्वयं कृष्ण और राधा एक होके कलयुग में अवतरित हुए थे 500 वर्ष पहले। तो उनका विग्रह है यहाँ, 3 डिटी से हैं, तो यही है यहाँ का। बहुत अच्छा लगा गुरु जी आपसे बात करके। दोस्तों जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि हम इस्कॉन मंदिर आए हुए हैं और वहीं की झलकी आज आप लोग को देखने को मिलेगी मेरे ब्लॉग में। तो आइए, कुछ भाभी लोग हैं यहाँ पे, इनसे पूछते हैं यहाँ के बारे में, हमें कुछ ज़्यादा नहीं मालूम है। भाभी आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा प्लीज़। हम लोग आए खानीपुर से, SBI कॉलोनी से, स्टैंड प्लेट पर हम लोग बराबर आते ही रहते हैं। यहाँ राधा कृष्ण का मंदिर भी बहुत अच्छा अपने आप में है। यहाँ की खासियत थोड़ी खासियत यही है कि बहुत शांति लगती है, मन को अच्छा लगता है। चले आ
मतलब कोई टाइमिंग होगा यहाँ पे होने का भजन? आरती तो तीन समय होती है, शाम को संडे संडे यहाँ पर प्रवचन होता है 4 बजे 5 बजे, जैसा जो मतलब प्रभु जी लोग उस समय दे अपना जी, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्ञान की बातें जानने को मिलती है। तो डेली मतलब नहीं, संडे संडे को रखते हैं।